खबर जावरा से है, जहां अवैध सॉफ्ट ड्रिंक सप्लाई की शंका में वाहन को जब्त कर जांच की जा रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जावरा में बीती रात खाचरोद नाका क्षेत्र में एक सॉफ्ट ड्रिंक एजेंसी के अधिकृत एजेंट ने अवैध सॉफ्ट ड्रिंक सप्लाई की आशंका के चलते मिनी लोडिंग वाहन रोका। उस वाहन की चेकिंग के दौरान पता चला कि वाहन में सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है, बल्कि रेलवे की सप्लाई वाला पैक्ड पानी मिला है। इसके बाद वहां उनको थाना ले जाया गया और थाना प्रभारी प्रकाश गडरिया का कहना है कि अवैध सॉफ्ट ड्रिंक सप्लाई का मामला था। वह रेलवे का पानी है जो रेलवे में बिकता है, जो सिटी में कहीं नहीं बिक रहा। वहीं एक पेटी बोतल वाहन में पाया गया है, जो कि खाद्य विभाग जाँच कर रहा है। वहीं कोका कोला के डीलर ने भी थाने में एक आवेदन दिया, जिसकी जांच की जा रही है। वहीं वाहन को अधिकृत एजेंट ने रुकवाया और थाने पर सूचना दी। वाहन थाना हम ले आए हैं, उसमें जो पेय पदार्थ हैं वह जिससे संबंधित हैं उनको अवगत कराया जाएगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है। अदर स्टेट से माल लाके, कटिंग का माल लाके, अब वो कहाँ कहाँ से माल ला रहे हैं, बिना बिल के ला रहे हैं, बिना बिल के ला रहे हैं। ये सब 3 साल से ये डिस्टर्ब कर रहे हैं मार्केट में, और इनको ऑथराइज अगर ये बिल से भी लाते हैं तो इनकी दुकान से ही बेच सकते हैं, पर ये हर जगह सप्लाई कर रहे हैं, हर जगह सप्लाई कर रहे हैं। और दूसरा ये कि रेलवे की जो बिक्री की बोतल आती है, केवल रेलवे में ही बिकती है, वो भी ये मार्केट में बेच रहे हैं। तो इन पर सख्त कार्रवाई कराई जाए, और जो भी हो मेरे साथ इंसाफ हो। मतलब कितने वर्षों से आप पीड़ित हैं? मेरे पास ये 3 साल से डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, 3 साल से ये तंग कर रहे हैं। बाकी मैंने कंप्लेन इसलिए नहीं करी क्योंकि 2 साल से पहले भी करी थी, बाकी कोरोना आ गया था तो उस कारण वो बात वहीं रह गई। इस साल भी और ज़्यादा तंग कर रहे थे ये, तो इस साल इनके कंप्लेन थाने में करवाइए। कौन लोग हैं जो आपको इस तरह पर? ये कीमत कोल्ड्रीन स्टेशन चौराहे पर है, इनका गोडाउन मनशापुरन रोड क्लब के सामने है। किस तरह का इनके द्वारा आपको परेशान किया जा रहा है? ये मार्केट में हमारे से कम रेट में माल बेचते हैं, और माल पता ही नहीं कौनसा बेचते हैं, और जो माल हमारे कंपनी नहीं बनाती, मतलब जो भी जो यहाँ का एमपी की हेड है, जैसे प्लांट है पिल्लू खेड़े में, उस कंपनी में जो माल नहीं बिकता और वो माल इनके पास मिल जाता है। अरे गुजरात सब जगह से माल लाते हैं और ये वहाँ से माल आता है, और ये बिल से लाते हैं, बिना बिल के लाते हैं, इनके ऊपर इनका कार्रवाई की जाए। प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? प्रशासन से भी बात चल रही है, मैडम फूड वाली मैडम से ही बात चल रही है, वो भी चेकिंग के लिए आ रहे हैं, और एक रेलवे से जो ऑथराइज्ड है, मतलब रेलवे के जो अधिकारी हैं, वो भी आ रहे हैं यहाँ पर चेक करने, क्योंकि रेलवे का पानी ये बेच रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम संदीप जैन है, इसका डिस्ट्रीब्यूटर हूँ मैं जावरा का, कोको कोला का, और कंपनी का ऑथराइज्ड हूँ कंपनी से मैं, और कंपनी का लेटर वेट सब मेरे पास है। बताई जा रही है कुछ पकड़ाई गई, क्या है पूरा मामला? जी, ये शाम को एक प्रकरण आया था कि कोई रेलवे का जो पानी रेलवे में बिकता है वो कहीं अपने सिटी में जो है बिक रहा है, इससे रिलेटेड आया था। तो वो वाहन संबंधित एक पेटी उसमें बोतलें रखी हुई हैं, और उसकी जांच कर रहे हैं, और हमने खाद्य विभाग वालों को भी बताया था कि ये असली है नकली है, या इससे रिलेटेड संबंधित जाँच करके और फिर आवेदन कार्रवाई की जाएगी। सर, ये डीलर के द्वारा भी कोई आवेदन थाने पर दिया गया था? हाँ, एक कोको कोला कंपनी के डीलर द्वारा भी एक आवेदन दिया गया है, कि जिसमें उसका कहना है कि वो ऑथराइज्ड डीलर है और अन्य लोग जो हैं सिटी में संबंधित कंपनी के ब्रांड जो है दे रहे हैं, तो उसका भी जांच कर रहे थे क्या मसला। ठीक सर, जैन कोठारी। कहाँ शॉप है आपकी? स्टेशन रोड। किस तरह आप पे आरोप लगा है कि आप डीलर? इन्होंने आरोप लगाया है कि मैं डीलर नहीं हूँ और मैं बिना बिल के माल मंगाता हूँ, बिल नहीं मेरे पास, तो मेरे पास सब बिल है, ईवीआई बिल से माल मंगाता हूँ, और 3 साल से मेरी कंपनी ने कोई मेरा हिसाब किताब नहीं किया है, ना ही मुझे इसका पेमेंट रिफंड आया है, इसीलिए मैं माल बेच रहा हूँ। और पहली बात तो माल मैं बाहर से मंगा के बेचता हूँ जो बिना बिल के नहीं है, और यह कोई कानूनी अपराध नहीं है। आप ये मानते हैं कि आप दुकान पर बेच सकते हैं, इसे मार्केट में सप्लाई नहीं कर सकते? ऐसा कोई लिखित में हमारे पास राइटिंग में अभी तक नहीं है, और नहीं ऐसा कोई प्रावधान निकला है, क्योंकि जीएसटी लगने के बाद ये सब चीज़ें क्लियर है, कोई भी कहाँ से कहीं से भी माल ला सकता है और बेच सकता है। जिस तरह आपको देखा गया कि आपके टेम्पो में रेलवे की भी एक पेटी निकली है? एक पेटी रेलवे, जो मेरे पिताजी हार्ट पेशेंट है, उनको हार्ट की तकलीफ है, इसलिए उनके लिए आरोप प्रणी मेरे घर पर लगा हुआ आरोप, लेकिन उनको उससे रिलीफ नहीं होता, इसलिए उनके लिए एक पेटी लाया था और कुछ भी नहीं। डीलर का ऐसा आरोप है कि आप 3 वर्षों से बेचते चले आ रहे हैं? अब कोई रेलवे का भी माल सप्लाई करते होगा, अपने विचार तो रख सकता है, लेकिन उनके विचारों को हम कुछ नहीं कह सकते, उनके बारे में मैं कुछ बोलूं वो मुझे सही नहीं। शुभ नाम आपका? जितेंद्र।